नमः शिवाय। वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि रविवार, चित्रा नक्षत्र जिसके नक्षत्र स्वामी मंगलदेव हैं, चंद्रमा आज शाम 6 बजे तक कन्या राशि में चलते रहेंगे, तत्पश्चात तुला राशि में चले जाएंगे। फलस्वरूप दोनों राशि स्वामी बुध व शुक्र का प्रभाव आज सभी के ऊपर पड़ेगा। चित्रा नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर आकर्षक आँखों वाले धनवान और स्पष्टवादी होते हैं। ये साहसी हास्य प्रेमी द्विअर्थी बातें बोलने वाले और तर्क प्रधान भी होते हैं। इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता, सामने वाले को प्रभावित करने का गुण, सुंदर वस्त्रों और आभूषणों के शौकीन परंतु तुनक मिजाजी स्वभाव रखने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल बुध व शुक्र की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के जातकों के विचारों की परिवर्तनशीलता में सुधार और मानसिक स्तर में स्थिरता रहेगी। कार्य क्षेत्र में मन लगेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी पड़ेगी। मामा पक्ष से सहयोग मिलेगा, मगर माँ के स्वास्थ्य के प्रति चिंता आज भी बनी रहेगी। कार्य योजनाओं की रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और उसमें एक मिसाल कायम करेंगे। भाग्य की गति धीमी होने के बावजूद भी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता मिलेगी। बच्चों की जिम्मेदारी पर खर्च और शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग जारी रहेगा। वृष राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर द्वारा सारे काम होते जाएंगे। अच्छे कामों में खर्च और घर गृहस्थी संबंधी वस्तुओं में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र की व्यग्रता और जल्दबाजी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। कुछ कार्य अधूरे चले जा रहे हैं, उन्हें उसी तरह आज के लिए छोड़ दें। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। बच्चों व घर परिवार से संबंधित जिम्मेदारी की चिंता संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। शाम के बाद का समय थोड़ा चिंता को बढ़ाने वाला हो सकता है, मगर कुछ कामों में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए अधिकतर कार्य सुचारू ढंग से चलते रहेंगे, मगर कुछ कामों में भ्रमात्मक स्थिति पैदा हो सकती है। जीवन के नए आयाम स्थापित करने में जीवन संगिनी का सहयोग बना रहेगा। कुछ नई प्रेरणा कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए लाभदायी रहेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और सब्र का फल मीठा होगा। गुरु की प्रेरणा बनी रहेगी और कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। अध्ययन अध्यापन के लिए सहयोग मिलता रहेगा। प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शाम के बाद का समय प्रतिष्ठा को और बढ़ाने वाला होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र की रचनात्मक सक्रियता सुकून बढ़ाने वाली होगी और सफलता दिलाने में सहयोग मिलेगा। संबंधित मामलों में वाद विवाद या हस्तक्षेप से बचना होगा। कुछ विषयों पर निर्णय लेने में मन का अंतर्द्वंद सामने आएगा, फिर भी सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। पारिवारिक चिंता का उतार चढ़ाव संभावित है। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा और व्यावसायिक निरंतरता बनी रहेगी। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। सिंह राशि वाले जातकों को स्वयं के दुरुपयोग होने से अपने आप को बचाना होगा। मित्र या रिश्तेदारों के प्रति आपका संकोची स्वभाव कार्यक्षमता और प्रगति में आड़े आ सकता है। फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी कार्य योजनाओं को कल पर ना छोड़ें। सामाजिक क्षेत्र की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने कार्य क्षेत्र में रचनात्मक पहल जारी रखें, सफल रहेंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। अचानक लाभ के मौके संभावित हैं। पत्नी की प्रेरणा व सलाह लाभदायक सिद्ध होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। आँखों व पेट संबंधी मामलों में सावधानी बनाए रखें। कन्या राशि के जातकों का मन प्रफुल्लित रहेगा। उत्साह और सकारात्मक विचारधारा बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। अभिभावक या सम्माननीय व्यक्तियों की प्रेरणा लाभदायी रहेगी। साझेदारी के प्रस्ताव सामने आएंगे और उसको लागू करना लाभदायक रहेगा। किसी बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी।
स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन भाग दौड़, यात्रा प्रधान और खर्चीला रहेगा, मगर शाम का समय सुकून और शांति भरा महसूस होगा। कार्य क्षेत्र में सहयोग बना रहेगा मगर व्यस्तता बढ़ी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे मगर आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार निर्धारित होगा। कार्य योजनाओं में विवाद व तनाव से बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपनी कार्य क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा। नई योजनाओं की क्रियाशीलता बनी रहेगी और लाभदायक प्रसंग सामने आएंगे। वाणी में मधुरता बनाकर रखें, कर्मचारियों का सहयोग मिलता रहेगा। आर्थिक लाभ से अधिक खर्च की स्थिति संभावित है। शाम के बाद आवश्यक संसाधनों में निवेश का योग बना हुआ है। बच्चों व संतान संबंधी मामलों में यात्रा संभावित है। संयम और धैर्य बनाकर काम करते रहें, फल मिलेगा, थोड़ा समय लग सकता है। विद्यार्थी अपने बुद्धि कौशल का इस्तेमाल करें, सहूलियत मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। धनु राशि वाले जातकों को चाहिए कि अपने दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास में कमी ना करें। आलस्य प्रधान मानसिकता संभावित है। शुक्र आपके पांचवें घर में बैठे हुए हैं। अपने रचनात्मक प्रयास जारी रखें। कार्य क्षेत्र की अनुकूलता बनी हुई है। मेहनत करने की प्रवृत्ति को कम ना होने दें। भविष्य में सुखद परिणाम अवश्य मिलेगा। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी। प्रशासनिक और सामाजिक सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। अपनी रचनात्मक कल्पनाओं को लगाम देते हुए अध्ययन अध्यापन को बनाए रखें, सफलता मिलेगी। मकर राशि वाले जातकों को अधिकारियों का पूरा सहयोग और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। शुक्र और गुरु का केंद्र में होना हर क्षेत्र में सफलता दिलाने का काम करेगा। नई कार्य योजनाएं मिलती जाएंगी और आपके क्षेत्र का विस्तार होता जाएगा। कुछ कामों को घर से ही नियंत्रित करने की प्रवृत्ति बनेगी, मगर धैर्य और संयम बनाकर रखना अति आवश्यक होगा। घरेलू संसाधनों पर अभी खर्च की स्थिति बनी रह सकती है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा। निजी संबंधों में निकटता आएगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभावित है। मन मुताबिक काम होने का प्रतिशत परिवर्तनशील रहेगा। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा का सहयोग और अधिकारियों की अनुकूलता बनी हुई है। संबंधित मामलों में यात्रा संभावित है मगर भाग्यवश आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। शाम के बाद धार्मिक भावना बलवती होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी है। अपने विश्लेषणात्मक पहलू का इस्तेमाल करें, सहूलियत मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बरकरार रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन भर का समय कार्य क्षेत्र की सफलता और आर्थिक लाभ के लिए सहयोगी रहेगा। साझेदारी के कामों में सफलता मिल सकती है और निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, मगर शाम के बाद का समय व्यावसायिक मामलों में यात्रा कराने वाला हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में चिंता बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। धैर्य रख कर परिश्रम करते रहें। महत्वपूर्ण निर्णय सूझबूझ और सोच विचार कर लें, सावधानी अपेक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।